सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो आप मुझे ताली बजा के इतना दीजिए, मैं 8 और सुना सुनाओ। एक बहू और एक सास, उनके पुत्र थे श्री प्रकाश, बैठे थे उदास। एक बहू और एक सास, उनके पुत्र थे श्री प्रकाश, बैठे थे उदास। उसी वक्त उसकी माँ ने मुंह खोला और यूं बोला कि देखो बेटा, मैं और तुम्हारी बीवी, हम दोनों गंगा जी नहाने जाए और नहाते वक्त हम दोनों का पैर फिसल जाए तो डूबती हुई माँ और बीवी में से तू किसको बचाएगा, तू अपना धर्म किस तरह से निभाएगा। तो मेहमान साहिबान कदरदान, लड़का था परेशान, उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई। एक तरफ था कुआं तो दूसरी तरफ थी खाई। उसी वक्त उसकी बीवी ने मुंह खोला और यूं बोला कि देखिए पतिदेव, मैं और तुम्हारी माँ दोनों गंगा जी नहाने जाए और नहाते वक्त हम दोनों का पैर फिसल जाए तो तुम अपना धर्म श्रवण कुमार की भांति निभाना, डूबती हुई माँ और बीवी में से तुम अपनी माँ को बचाना, क्योंकि हम तो जवान है, मुसीबत से भी जूझ जाएंगे और हमें बचाने के लिए तो जिन्हें तैरना नहीं आता वो भी कूद जाएंगे।